पर सांस्कृतिक राजधानी सूर्यनगरी जोधपुर में भी अलग अलग रंग देखने को मिली। अनेकता में एकता का संदेश देती अलग अलग रंग और स्नेह, प्यार, अपनापन और आपसी अदावती भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हुए लोग नजर आए। कहीं गुलाल तो कहीं रंग लगाकर होली खेली गई। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने इस दौरान लिया यहाँ का जायजा। होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार, अपनों के साथ, परायों के साथ, दुश्मनों के साथ, दोस्ती के संग, मिठाइयों के संग, ये जब त्यौहार आता है तो खुशियाँ बांटता है। और देखिए कि जिस तरीके से लाल चेहरे रखे हैं, समझ सकते हैं कि ये जो रंग है ये अपने आप में बड़ा संदेश देता है। हर तरह के जो यूथ है, चाहे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ, कैसे इस त्यौहार को आप देखते हैं? त्यौहार तो त्यौहार ही है साहब, ये जो ऐसा त्यौहार साल में दो ही होते हैं, होली और दिवाली। ये त्यौहार जो ऐसा नहीं है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो जिंदगी में हर साल अपने अलग नई चीज़ नए अंदाज से बनाई जाती है। होली की खुशी आप देख सकते हैं कि आप कैसे इस त्यौहार को देखती हैं। खूब सारे रंग जब बिखरते हैं, आपको लगता है जिंदगी के रंग भी खूबसूरत हो जाते हैं? हाँ, जिंदगी तो ऑब्वियसली खूबसूरत होती है जब इतने सारे रंग बिरंगे लोगों के बीच में और रंग साथ में रहते हैं, तो जिंदगी फुल ऑफ लाइफ लगती है। कैसा लगता है? मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खाते हैं, खूब खुशियाँ बांटते हैं। बहुत खुशी होती है, त्यौहार इसीलिए होते हैं ताकि हम सब अच्छे से इंजॉय करें और अपने परिवार के साथ मिलजुल के मनाएं। बहुत मज़ा आता है, और होली तो वैसे भी रंगों का त्यौहार है, बढ़िया मज़े करो, अच्छा है। कैसे, आपने कई सावन देखे हैं, आपको लगता है कि त्यौहारों में तब्दीली आई है? पहले बहुत जो मस्ती थी वो तो कम मस्ती थी, वो अब नहीं है। पहले जो पानी की होद होती थी उसमें ले जाके गिराते थे, फिर मज़ा आता था, तो बहुत खुशी उस जमाने की खुशी में अब नहीं है वो पहले जैसी। होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, हर ओर होली का उल्लास देखने को मिल रहा है। आज धुलंडी का पर्व भी बड़ी ही खुशियों से मनाया जा रहा है। देश भर में जमकर गुलाल अभी उड़ रही है, लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दे रहे हैं। वहीं मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। मथुरा वृंदावन से लेकर वाराणसी में देश भर से पहुंचे भक्तों ने भगवान के संग होली खेली। छोटी काशी के गोविंद देव जी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का ज्वार देखने को मिला। भक्तों ने गुलाल उड़ाकर अपने के साथ होली खेली। और ये तस्वीरें देखिए कि इस तरह से हर वर्ग के लोग जो है होली मनाते हुए नजर आए। होली का उल्लास हर वर्ग के लोगों में नजर आया। होली की कई रूप है। झालावाड़ के झालरापाटन में कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है। बच्चे और युवा घर से निकलते हैं, जो दोस्तों को रंग गुलाल लगाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इस दौरान कपड़ा फाड़ने का भी कोई बुरा नहीं मानता है। झालरापाटन में आज से 40 साल पहले याद हुआ है कि जब दोस्त लोग मिलते हैं, बचपन के दोस्त लोग मिलते हैं, तो एक दूसरे को रंग लगाने के अलावा कपड़े फाड़ने का भी प्रचलन है। आज उसी सिद्धांत पे आज भी हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता भी की जाती है। जालौर में रंगों का पर्व होली बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत शाही कुमारी देवता की बारात निकाली गई, जो सदर बाजार के माणक चौक से शुरू होकर शहर की विभिन्न मुख्य मार्ग से गुजरते हुए भक्त प्रहलाद चौक पहुंची। दरअसल इलोजी राजस्थान की लोक देवता है, जो हिरण्य कश्यप की बहन होलिका से प्यार किया करते थे और शादी की तैयारी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर हिरण्य कश्यप अपने बेटे विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने की साजिश रच रहा था। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। आखिर में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली और भाई के कहने पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई। वरदान के बाद भी उसकी आग में जलने से मौत हो गई। इधर इलोजी बारात लेकर होलिका से शादी करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें होलिका की मौत की खबर मिल जाती है। अपने प्यार को खोने के गम में डूबी इलोजी उसका जला हुआ शरीर देखकर खूब रोते हैं और होलिका की राख को अपने शरीर पर लगाकर वो ताउम्र शादी नहीं करते। इसीलिए उनकी याद में एक दिन पहले इलोजी देवता की बारात निकाली जाती है। लोकसभा चुनाव 2000 काल से निकाली जा रही ऐतिहासिक सम्राट की सवारी निकाली गई। ऊंट गाड़ियां और घोड़ों पर सवार होकर होली के मतवाले रंगों का त्यौहार मनाते हुए नजर आए। शहर के पुरानी टोंक स्थित अजमेर वालों की कोठी से शुरू हुई सम्राट की सवारी शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस पुरानी टोंक पहुंची। इस दौरान गंगा जमुना तहजीब का भी नजारा देखने को मिला। मुस्लिम समाज की ओर से सवारी पर फूल बरसाकर स्वागत किया और हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की। सम्राट की सवारी में
भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, ओम पांडे सहित शहर के कई लोग मौजूद रहे। आज जो उत्साह है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। यह त्यौहार रंगों का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार, समरसता का त्यौहार, सब लोग मिलकर इसको भव्य तरीके से मना रहे हैं। निश्चित हम चाहते हैं कि इस टोंक की इस पावन धरा पे समरसता का जो वातावरण है, प्रेम का वातावरण है, ये त्यौहार इस बात का संदेश देता है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव जो 26 तारीख को होने जा रहा है, निश्चित ये उत्साह 26 तारीख तक कायम रहने वाला है। हर साल जब भी होली के जो है ये बादशाह की सवारी निकलती है तो टोंक में जो है साइबर होटल के ऊपर जो है इनका जो है शरबत पिलाकर फूल बरसाकर इनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि ये नवाबी नगरी है और हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल है। होली का पर्व रंगों का त्यौहार है, इसे कई जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बांसवाड़ा के घाटोल में जलती हुई लकड़ियां एक दूसरे पर बरसाकर होली खेलने का अलग महत्व है। यहां ऐसी होली करीब 800 वर्ष से खेली जा रही है, जिसमें दो गुटों ने एक दूसरे पर जलती हुई लकड़ियों को फेंक कर होली खेली। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पाटीदार समाज ने परंपरागत तरीके से सजधज कर पहले होली का दहन किया, फिर ढोल की थाप पर गैर नृत्य खेला गया। इस दौरान दो गुट आमने सामने पहले से लकड़ियां जलाकर रखते हैं। करीब दो घंटे के गेर नृत्य के बाद ढोल की थाप बदलते ही गेर नृत्य करने वाले दो जो गुट हैं वो आपने सामने होकर विभाजित होकर जलती हुई लकड़ियां फेंकना शुरू कर देते हैं। घाटोल में होली खेलने की परंपरा बरसों पुरानी है। यहाँ पे आसपास गांवों के पहाड़ों के मजदूरों के हजारों लोग हमारी इस अनूठी परंपरा जो कि जलती हुई लकड़ियों की राड़ एक दूसरे के ऊपर मारना देखने के लिए आते हैं, और यह पुरानी परंपरा है। और यहाँ का पाटीदार समाज है, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इस अनूठी परंपरा को संजोए कर रखे हुए हैं। सीकर की लक्ष्मणगढ़ में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाया, साथ ही गीतों पर ठुमके बहुत ज्यादा लगाए। होली के मौके पर गिंदर नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें युवा बुजुर्ग अलग अलग वेशभूषा में रंगों का त्यौहार मनाते नजर आए। श्री श्याम मंदिर में श्याम परिवार की और बाबा श्याम के साथ फूल और रंगों से होली खेली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और श्याम भक्त मौजूद रहे। डीडवाना में ऐतिहासिक डोलची मार होली की अनूठी परंपरा चल रही है। धुलंडी के दिन रंगों से सरोबर होने के बाद सरकार की हाकम यानी कि उपखंड अधिकारी इस गेर की शुरुआत करते हैं। प्रथम डोलची हाकम के लगाने के बाद ये गेर कचहरी से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए सभी टोलियां एक साथ निकलती है और पूरे नगर की परिक्रमा के लिए जिसे कहा जाता है गेर। इस गेर का प्रचलन राजा महाराजाओं के समय से चला रहा है। तत्कालीन हाकम को डोलची मार कर इस गेर की शुरुआत की जाती थी। डोलची की मार असहनीय होती हुए भी लोग इसका आनंद उठाते थे, जिसके पीछे लोगों की मान्यता है कि डोलची की मार खाने के बाद साल भर तक मार खाने वालों को कमर का दर्द नहीं होता है। आपको ये जानकारी जरूर दे दें कि आपको तो पता ही है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म। और अब इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने और अगर आप में सिंगिंग का टैलेंट तो तैयार हो जाइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जी हाँ, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप से आप अगर मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भरपूर मनोरंजन मिलेगा, और अगर आप संगीत की दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं तो इसका भी सुनहरा मौका आपके पास है, क्योंकि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन आज से शुरू हो गए हैं। तो देरी किस बात की है, ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार।